महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनसीपी लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने में सहमत हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग है। बता दें कि शरद पवार ने पुणे शहर में शुक्रवार को दो बैठकें की। एक बैठक उन्होंने पुणे शहर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ की, तो वही दूसरी बैठक उन्होंने पार्टी विधायकों और नव निर्वाचित सांसदों के साथ की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनसीपी लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने में सहमत हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग है। बता दें कि शरद पवार ने पुणे शहर में शुक्रवार को दो बैठकें की। एक बैठक उन्होंने पुणे शहर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ की, तो वही दूसरी बैठक उन्होंने पार्टी विधायकों और नव निर्वाचित सांसदों के साथ की।